सो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टक्स। हम टक्स किस तरीके से बनाते हैं और उसे किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, मैं आज आपको वो सब भी बताऊंगी। तो आज हम जो सबसे पहले सीखने वाले हैं वो है हमारा पिन टक्स। तो यहाँ पर पिन टक्स बनाने के लिए हमें हाफ हाफ इंच पर इस तरीके से निशान लगाने हैं, हाफ इंच पर ही लगाने हैं। और इस तरीके से जब हम निशान लगा लेंगे यहाँ पर, उसके बाद हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। सीधी साइड पर ही हमें कपड़े के पिन टक्स लगाते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई देनी है, बिल्कुल एक पैर की सिलाई नहीं देनी है, बिल्कुल कम गैप पर सिलाई देनी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे मैंने दी है। तो पिन टक्स के लिए हमें इस तरीके की बारीक सिलाई ही देनी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये कपड़े के बिल्कुल पास में सिलाई दी गई है। हाफ इंच पर हम उस तरीके से दोबारा से सिलाई लगाएंगे। तो पिन टक्स हम इस तरीके से बनाते हैं। तो पिन टक्स से हम किसी भी फैब्रिक पर डिज़ाइन दे सकते हैं जैसे हम चाहें। आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आता है। तो हम पिन टक्स को अपने फ्रॉक पर, अपने कमीज़ पर इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा क्रॉस टक्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि हम क्रॉस टक्स किस तरीके से बनाते हैं। क्रॉस टक्स बनाने के लिए हमें जो अपने फैब्रिक को इस तरीके से रखना है, यहाँ पर इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ की है इस तरीके से। और यहाँ पर वन इंच के गैप पर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और एक क्रॉस बनाएंगे। यहाँ पर क्रिस क्रॉस बनाएंगे, एक जाल तैयार करेंगे, उसके ऊपर हम सिलाई देंगे। इस तरीके से वन इंच के गैप पर मैं यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर ये लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। इसके बाद हम इसका क्रॉस बनाने के लिए इस तरीके से ऊपर की तरफ भी लाइन वन इंच के गैप पर ड्रॉ करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है, अब हम इसके ऊपर सिलाई देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें बारीक कपड़े को फोल्ड करना है और इसके ऊपर पिन टक्स की तरह ही यहाँ पर सिलाई देनी है। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ की है, पहले हॉरिजॉन्टल में, उसके बाद वर्टिकल में हम इस तरीके से सिलाई देंगे। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल में पहले सिलाई देंगे, उसके बाद वर्टिकल में देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमने हॉरिजॉन्टल में सिलाई कर ली है। अब हम इसके वर्टिकल में भी इस तरीके से क्रिस क्रॉस सिलाई देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम क्रॉस टक्स बनाते हैं। हमारे क्रॉस टक्स बनकर तैयार हैं। इसको हम किसी भी तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं अपने फैब्रिक पर। उस तरीके से हम यहाँ पर चोली में डिज़ाइन में, शर्ट में, स्लीव्स में डिज़ाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड है हमारा रिलीज टक्स। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम रिलीज टक्स किस तरीके से बनाते हैं। तो रिलीज टक्स के लिए हम यहाँ पर वन इंच पर इस तरीके से चौक का निशान लगाएंगे और चौक का निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई देनी है। यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई देनी है, जैसे हमने पिन टक्स में दी थी फैब्रिक के पास पास, वैसे सिलाई नहीं देनी हमें। एक पैर, हमें थोड़ा ज़्यादा गैप लेना है, एक पैर की सिलाई देनी है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पूरी हमें सिलाई नहीं देनी है, यहाँ पर बीच में, बीच तक ही हमें सिलाई देनी है। उसके बाद सिलाई को पक्का करके निकाल लेना है। रिलीज टक्स में हम आधी ही सिलाई देते हैं और बाकी का नीचे का खुला ही रहता है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। दोबारा 1 इंच पर हम इसी तरीके से टक लगाएंगे दोबारा और बीच तक ही सिलाई को लाएंगे और नीचे तक छोड़ देंगे। यहाँ पर सिर्फ हम बीच तक ही सिलाई देंगे और सिलाई को पक्का करके निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम रिलीज टक्स बनाते हैं। नीचे का हमारे इस तरीके से रिलीज़ रहता है यहाँ पर और ऊपर तक ही हम सिलाई देते हैं। इसको हम अपने कुर्तों में ज़्यादातर ये रिलीज टक्स दिए होते हैं, आपने देखा होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कुर्ते में रिलीज टक्स दिए हुए हैं। इस तरीके से हम रिलीज टक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है स्पेस टक्स। तो स्पेस टक्स हम बनाना सीखेंगे किस तरीके से बनाते हैं। स्पेस टक्स के लिए भी हम 1 इंच का ही गैप लेते हैं
और यहाँ पर वही हम एक पैर की सिलाई लेंगे। दोबारा हम सेकेंड 1 इंच पर इस तरीके से दोबारा सिलाई देंगे और थोड़े गैप करके हम एक पैर की सिलाई देंगे। स्पेस टक्स पिन टक्स की तरह ही होते हैं, पिन टक्स थोड़े पास पास होते हैं, स्पेस टक्स में हमारा आप देख सकते हैं बीच में इस तरीके से गैप आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप की वजह से हमारे स्पेस टक्स कहलाते हैं। स्पेस टक्स हम इस तरीके से अपनी कमीज़ में डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा वेव टक्स। वेव टक्स एक हमारे बहुत ही अलग तरीके के टक्स होते हैं और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वेव टक्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर हाफ हाफ इंच का गैप देना होता है, 1 इंच का नहीं देना होता, क्योंकि हमारे ये टक्स काफ़ी करीब करीब होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से मैंने हाफ हाफ इंच का यहाँ पर गैप ले लिया है। इस तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर उसी तरीके से जिस तरीके से हम टक्स डालते हैं यहाँ पर एक पैर की सिलाई देनी है। यहाँ पर इसी तरीके से हाफ हाफ इंच के गैप के ऊपर हमें टक्स डालने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे ये टक्स डल गए हैं। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम एक सिलाई देंगे इस तरीके से जैसे मैं दे रही हूँ, और यहाँ पर हम सिलाई को पक्का कर देंगे। उसके बाद जो हम दूसरी सिलाई देंगे वो यहाँ पर हम 2 इंचज के गैप पर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये 2 इंचज के गैप पर एक सिलाई दे रही हूँ ताकि हमारे वेव्स बन सके। तो अब यहाँ पर हमें इसके सेंटर में इसको बैक की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई देनी है ताकि हमारी वेव का डिज़ाइन आ सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसको इसके रॉन्ग साइड पर इसको फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैं कर रही हूँ और यहाँ पर हम सिलाई देंगे, इसके बाद हमारा ये वेव का डिज़ाइन आ जाएगा इसके ऊपर। सकते हैं इस तरीके से वेव टक्स डलते हैं। तो यहाँ पर ये दोबारा 2 इंच के गैप पर यहाँ पर हम सिलाई देंगे और इसके सेंटर में हम वेव का सिलाई देंगे। इस तरीके से हम इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करते हुए अपने फिंगर को इस तरीके से हम बीच में रख लें जिसकी वजह से ये आसानी से फोल्ड हो सके। इस तरीके से आप देख सकते हैं और ये हमारा वेव का डिज़ाइन आ जाता है। तो इसी तरीके से हम वेव टक्स देते हैं। यहाँ पर आगे भी हम इसी तरीके से 2 इंच के गैप के बाद इसके सेंटर में वेव बनाते हैं। सेंटर में हम इस तरीके से अपने फिंगर को रख लें जिसकी वजह से हमें आसानी हो जाती है यहाँ पर वेव बनाने में। इस तरीके से वेव टक्स हम अपने फैब्रिक पर डिज़ाइन कर सकते हैं, हम ट्राउज़र पर डिज़ाइन कर सकते हैं, इस तरीके से हम फ्रॉक पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।